आज का सवाल है, क्या स्पा, मसाज पार्लर या सेक्स वर्कर के संपर्क के दौरान यदि उसके ब्रेस्ट मिल्क के संपर्क में आ जाने से या ब्रेस्ट फ्लूइड या सिक्रीशंस मुंह में चले जाने से क्या एचआईवी होने का कोई खतरा होता है या नहीं होता? आप एचआईवी होने के चार कारणों में अक्सर आप पढ़ते हैं कि माँ से बेटे को एचआईवी होने के एक कारण है माँ का दूध, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एचआईवी का वायरस होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप स्पा, मसाज पार्लर या तो फीमेल सेक्स वर्कर के संपर्क में आते हो तो उतने कम क्वांटिटी में और बहुत ही कम समय के संपर्क में होने से एचआईवी होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले देख लेते हैं माँ से बेटे वाले किस्से में। उसमें अक्सर जो बच्चा है वो छः महीने से लेकर 18 महीने तक माँ का दूध पीता है। हर रोज़ कम से कम 10 से लेकर 20 बार वो अपना माँ का दूध पीता है। तब भी माँ से बेटे में एचआईवी चला ही जाता है, हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता। तब भी माँ से बेटे में एचआईवी होने की संभावना 10% से 20% तक होती है, तब भी वो 100% नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि जब स्पा, मसाज पार्लर या तो फीमेल सेक्स वर्कर के संपर्क के दौरान जो बहुत ही छोटा वक्त होता है उसका क्वांटिटी बहुत ही ना के बराबर होता है, कुछ ml भी नहीं हो सकता, तो उस तरह से आपको इस किस्म की घटना से एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप एक्सपोजर के कैटेगरीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस किस्म के संपर्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क या तो ब्रेस्ट फ्लूइड या सिक्रीशन के संपर्क में आते हो या तो वो गलती से मुंह में भी चले जाता है तब भी आपको एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं है, आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और इस एक्सपोजर को वो रिस्क एक्सपोजर नहीं माना जाएगा और आपको कोई दवाई या तो पीपी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, इस घटना से आपको एचआईवी होने की कोई संभावना नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आएगा। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब इसी तरह से हर रोज़ देता रहूँगा। मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट। यदि आप मेरे से पर्सनली ऑडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना रहेगा। थैंक यू।